अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ड्राई चना, जिसे लहसुनी चना भी कहते हैं, बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें मैं आप लोगों को साथ में टिप भी देते रहूँगी। तो लहसुनी चना बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे, काबुली चना भी कहते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने इसे कुकर में डाला है, साथ ही इसमें पानी तो जितना हमारे चने की क्वांटिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी रहेगा, और साथ ही नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि चने में अंदर तक जो है नमक का स्वाद रहे और हमारे चने बिल्कुल फीके फीके ना लगे। 2 से 3 सीटी के बाद हमारे चने जब बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो हम इसे छान करके रख लेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। अंडे में मैंने डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 ड्रॉप रेड फूड कलर। आप चाहे तो पाउडर वाला रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर, 3 टेबल स्पून चिली पेस्ट। चिली पेस्ट को मैंने घर में ही बनाया है। 1 पैक ऑफ शेजवान चटनी। अगर आपको चिली पेस्ट नहीं यूज़ करना है तो आप रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब इसका एक पेस्ट रेडी हो जाएगा तो हम इसमें अपने चने को डाल देंगे। चने पर मसालों की कोटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए, यानी 15 से 20 मिनट तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब इसे फ्राई करना हो तो मैं यहाँ पहले लहसुन फ्राई कर रही हूँ। लहसुन को फ्राई करने से ऑयल में थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद जब हमने चना फ्राई करना है तो हमने चने को एक एक कर कर डालना है, बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है। अगर हम एक साथ डालेंगे तो वो बिल्कुल एक में एक मिल जाएगा। हमारे चने अलग अलग रहें इसलिए एक एक चना कर कर डालिए। और इसको जब एक मरतबा सारा फ्राई हो जाएगा तो उसको आप दोबारा से एक साथ ऑयल में डालिए ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने दोबारा फ्राई करने से। और इसे भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आप इसका कलर देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत का सिला दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्ला, और अपना ख्याल भी रखिए।